बिना बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए ये मैंने भुने चने की दाल ली है। आप देख सकते हो ये भुनी हुई चने की दाल है। इसको सबसे पहले जार के अंदर डाल करके इसका दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये पाउडर तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसके अंदर इतनी ही शुगर मिला लेंगे जितना हमारा भुने हुए चने की दाल का पाउडर है। ये मैंने इलायची का पाउडर मिला दिया है। ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और ये कंडेंस मिल्क और के अंदर हम थोड़ा सा कलर मिला लेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी का कलर बहुत ही बढ़िया बने। तो ये मैंने कलर मिला करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे कंडेंस मिल्क, लगभग 3 to 4 टीस्पून कंडेंस मिल्क और 6 to 7 टीस्पून घी। दोनों को मिला करके अच्छे से एक जो डो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर डो ड्राई लगे तो थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और मिला दें और इस तरह का डो बना लें। टिफ़िन बॉक्स पे बटर पेपर लगाकर मैंने पहले से तैयार रखा था, तो डो को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और स्पून की सहायता से इसको अच्छे से फैला देंगे। और अब आप इसको स्मूथ और चिकना कर दें। और आप चाहे तो इसको ऐसे ही कट कर सकते हो, आप चाहे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा करके इसको गार्निश भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे इस तरह से ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। और आधे घंटे के बाद हम इसको कट कर लेते हैं। आधे घंटे के बाद देखिए हम इसको निकाल लेते हैं बटर पेपर को, और जो हमारा बेटर है उसको किसी ट्रे के अंदर निकाल ले, फिर इसकी साइड कॉर्नर्स को फिनिशिंग करके और आप इसकी बर्फ़ी कटिंग कर ले। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है और सबको घर में बहुत ही पसंद आई। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी इसलिए एक ही टाइम में सबको खा लिए, पर बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आप भी इस तरह की बर्फ़ी बना सकते हो। आप जो हमारा बैटर है उसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, कितनी अच्छे लुक के अंदर बनती है और एकदम से फटाफट में सिर्फ 10 मिनट में तो बन करके घर पे रेडी ही हो जाती है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आप भी इसी तरह की बर्फ़ी अपने घर पे बना सकते हो बिना बेसन के, जब भी जी चाहे आप इसे तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।